सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यदि आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं और आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं, और फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको पता है कि YouTube एक नया फीचर लेकर के आ चुका है जो कि लगभग लगभग सभी YouTube क्रिएटर्स को मिल चुका है। उस फीचर का नाम है फ्रेंड्स रिमिक्स। देखिए, जैसे आप किसी का भी YouTube पर वीडियो देखते हो तो आपको देखिए वीडियो के नीचे इस तरह कुछ ऑप्शन नजर आते होंगे, जैसे यहाँ पर लाइक हुआ, डिसलाइक हुआ, शेयर वाला हुआ, कट वाला ऑप्शन हुआ, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रिमिक्स वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरी जो रिमिक्स वाला ऑप्शन है ना, इसको यूज किस लिए किया जाता है। ठीक है, और फिर इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आप इस ऑप्शन को अपने वीडियोस पर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को किस तरीके से बंद कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वीडियो से इसे कैसे डिसेबल भी कर सकते हैं। वो सब जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करने तक देखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। और साथ ही दोस्तों, आप इसे वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों देखिए, आपके लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत करते रहते हैं, आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फीचर स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल GR पे। अभी दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर जो रिमिक्स वाला ऑप्शन YouTube ने दिया है यहां पर नया फीचर, इससे होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, इससे होगा क्या, मान लीजिएगा आप एक यूट्यूब क्रिएटर है, ठीक है, आपने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, और आपने इस फीचर को ऑन किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कोई भी यूट्यूब यूजर्स या फिर आपका कोई सब्सक्राइबर या फिर कोई भी व्यूवर आपकी वीडियो को देखेगा, ठीक है, और वो देखता है और वो शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करता है। जो आपका व्यूवर है वो शॉर्ट वीडियो क्रिएटर भी है और आपके जैसे ही वीडियो को वो देख रहा है और आपकी वीडियो के अंदर उसको कुछ ऐसा पार्ट अच्छा लगा, 5 सेकंड तक का उसको वीडियो क्लिप अच्छा लगा, या फिर उस व्यूवर को आपकी वीडियो में से कहीं कोई ऑडियो पसंद आ जाती है, तो फ्रेंड्स वो क्या करता है, आपके इस रिमिक्स वाले यानी आपकी जो वीडियो को देख रहा है ना, उसी वीडियो के नीचे उसको रिमिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वो उस पर क्लिक करके आपकी वीडियो में से 5 सेकंड तक का कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेगा। देखिए, फिलहाल तो कोई भी आपकी वीडियो में ही रिमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो का यूज करेगा ना, अपने चैनल पर शॉर्ट क्लिप डालेगा, तो अभी तक तो फ्रेंड्स वो सिर्फ 5 सेकंड तक का ही आपका वीडियो यूज कर सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसकी लिमिट बढ़ा दी जाए, 1 मिनट तक का शॉर्ट वीडियो कोई भी यूज कर ले आपकी वीडियो में से इस रिमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, लेकिन फिलहाल 5 सेकंड तक का ही दिया हुआ है, ठीक है, या फिर उसको आपकी वीडियो में से कोई ऑडियो पसंद आ जाती है, आपकी आवाज जो है या फिर कोई आपने म्यूजिक वगैरह लगा रखा है, कोई भी ऑडियो है आपकी वीडियो में से ऑडियो पसंद आ जाती है, तो फ्रेंड्स वो व्यूवर यानी कि जो भी आपकी वीडियो को देख रहा है ना, वो रिमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी वीडियो का साउंड या फिर आपकी वीडियो को यूज कर सकता है अपने चैनल के लिए, यानी कि आपकी वीडियो में से वो पार्ट लेकर के या तो वो ऑडियो ले लेगा और वीडियो अपने खुद से बना करके उस आपकी ऑडियो पर एड करके और अपने चैनल पर अपलोड कर देगा, या फिर आपकी वीडियो ले लेगा यहाँ से 5 सेकंड तक का, और अपने पास जो कोई ऑडियो होगा तो वो अपना ऑडियो लगा करके अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो रिमिक्स वाला ऑप्शन है ना, ये इसीलिए यूज किया जाता है कि कोई भी यूट्यूबर्स कोई भी व्यूवर यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखता है क्रिएटर का और उसको उसका वीडियो पसंद आ जाता है, उसमें से वो कुछ क्लिप अपने चैनल पर अपलोड करना चाहता है शॉर्ट बना करके, या फिर उस वीडियो में से कुछ ऑडियो लेना चाहता है ना, तो रिमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑडियो या फिर वीडियो का यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं इसे डिसेबल किस तरीके से किया जा सकता है। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं चैनल पर, आप चाहते हैं कि भाई मेरी वीडियो का कोई भी यूज ना करे, कोई भी ना तो मेरी ऑडियो यूज करे वीडियो में से, ना फिर मेरी कोई भी वीडियो में से वीडियो का पार्ट यूज करे अपने दूसरे चैनल पर, तो दोस्तों उसके लिए आपको अपनी वीडियो से इसको डिसेबल करना होगा रिमिक्स वाले ऑप्शन को, जिससे कि आपकी वीडियो पर रिमिक्स वाला ऑप्शन ना आए तो कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। अब आप इसे किस तरीके से डिसेबल करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों उसके लिए मैं आपको सीधे सीधे अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में लेके चलूंगा और वहीं से आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसे डिसेबल करने के लिए जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपको अपना जो वीडियो है ना, यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर के डेस्कटॉप साइड मोड का यूज करके अपना चैनल लॉगिन करना है और वहां से अपना वीडियो अपलोड करना है। डायरेक्ट यूट्यूब एप्लीकेशन से यदि आप अपलोड करोगे तो आप शायद इसे डिसेबल अभी नहीं कर पाओगे, हो सकता है आने वाले समय में ऑप्शन मिल जाए, लेकिन अभी तक डायरेक्ट यूट्यूब ऐप को ऑप्शन नहीं मिला है। अभी तक आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर के डेस्कटॉप साइड वर्जन का यूज करना होगा, या फिर आप पीसी या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, और यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर में जाना ही होगा। ठीक है दोस्तों, वहां से चैनल लॉगिन करेंगे और जब आपका वीडियो अपलोडिंग यहाँ पर चल जाएगा तो देखिए आप यहाँ पर देखते रहना स्क्रीन में। दोस्तों देखिए, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर जो अपना चैनल है ना, उसे अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइड वर्जन में यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, यानी क्रोम में जाकर के लॉगिन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो वीडियो अपलोड करते समय आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए नजर आ जाएगा। ठीक है, जब आपका वीडियो का यहाँ पर अपलोडिंग चल जाएगा तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी।
तो आपको सबसे पहले टाइटल मिल जाएगा, फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपको यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है दोस्तों। जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको शो मोर लिखा जाएगा ये, तो आपको शो मोर पर क्लिक करना है। तो कुछ फंक्शंस आपको नीचे भी देखने के लिए मिलेंगे, फिर से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ जाएगा जिस पर लिखा हुआ होगा शॉर्ट्स सैम्पलिंग, ठीक है दोस्तों। यही वो ऑप्शन है जिस पर आप टिक करके रखोगे और तब अपने वीडियो को पब्लिक करोगे, तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पर रिमिक्स वाला ऑप्शन सभी को शो होगा और कोई भी यूट्यूब यूजर्स आपकी वीडियो को सैंपल के तौर पर अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है, यानी कि आपकी वीडियो को यूज कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये अलाउ पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट, यदि आप इसमें टिक करेंगे इस तरीके से और तब वीडियो को सेव करके रखेंगे, तो आपकी वीडियो के नीचे आपको रिमिक्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सभी यूट्यूब यूजर्स को। यदि आप इसे अनटिक करेंगे यानी इसमें टिक नहीं लगाएंगे शॉर्ट सैम्पलिंग वाले ऑप्शन में, तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो पर जो रिमिक्स वाला ऑप्शन है ना वो नजर नहीं आएगा। तो यदि आप अपनी वीडियो पर रिमिक्स वाले ऑप्शन को रखना चाहते हैं तो आप इसमें अलाउ करके रखना तब सेव करना, और यदि आप अपनी वीडियोज पर जो भी वीडियो आपने अपलोड किया है और जिस भी वीडियो पर आप अपना ये रिमिक्स वाला ऑप्शन नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पर अनटिक कर देना, टिक मत लगाना, और आप अपनी वीडियो को यहाँ पर सेव करके पब्लिक कर देना, तो आपके वीडियो से रिमिक्स वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल रहेगा। और यदि आपको फिर से इसे इनेबल करना है तो यहीं पर आप आ करके शॉर्ट सैम्पलिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आप इसको अलाउ कर देना, अलाउ करके सेव कर देना, फिर से आपकी वीडियो पर रिमिक्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी वीडियो से रिमिक्स वाले ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप अच्छे समझ गए होंगे और अब आप आसानी से अपनी वीडियो से इस रिमिक्स वाले ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।